सो है एवरीवन, कैसे हैं आप? सो उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पिंकी फैशन एंड फैब्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है नया डिज़ाइनर वाला ब्लाउज़ पर, और उस पर हम आपको स्टिचिंग करके बताएंगे कि आपको स्टिचिंग कैसे करना है। तो और ब्लाउज़ का साइज़ होगा 32 साइज़, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें अस्तर वाला फैब्रिक्स पर कटिंग करना है, उसके बाद ही हमें मैन फैब्रिक्स पर कटिंग करना है। तो इसको हम पहले चार फोल्ड में फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरीके से चार फोल्ड में हम पहले फोल्ड कर लेंगे इसको। उसके बाद देखिए यहाँ से हमें ब्लाउज का लेंथ लेना है, 14 इंच हो गया। अब यहाँ से लेंगे हम 5.5 इंच, और पूरा चौड़ाई रहेगा देखिए हमारा 10 इंच, ठीक है, मार्जिन लेके। अब यहाँ से आर्म होल हम लेंगे 5.5 इंच, इसको चरखुट कर देंगे, इसको गोलाई का शेप देंगे। तो देखिए हो गया। अब यहाँ से हमें गला का नेक कट रखना है, तो हम यहाँ पर रखेंगे, कंधा रखेंगे 3 इंच, और गले के लिए हम रखेंगे 5.5 इंच। अब यहाँ से हमें गला का डीप रखना है, तो डीप हम रखेंगे 5.5 इंच। इसको हम इस तरीके से चरखुट करेंगे। इसको हम इस तरीके से हल्का सा डिजाइन देंगे। अब इसे हमें कट करना है। इसका जॉइंट भी हटाएंगे। हो गया। अब एक साइड का हटा लेना है, फ्रंट साइड वाला। अब हमें बैक साइड वाला को क्या करना है, ज़्यादा डीप करके और गला का डिज़ाइन देना है। तो यहाँ से हम डीप रखेंगे 9.5 इंच, ठीक है, और इसको भी हम इस तरीके से गोलाई का ही शेप देंगे। तो ये हो गया हमारा बैक साइड। अब देखिए ये जो फ्रंट साइड है उसको हम इस तरीके से ओपन करके रखेंगे, और जो मेन फैब्रिक्स है उसको भी हमें इस तरीके से रखना है। ठीक है, इसको हम पिन अप करेंगे पहले। देखिए इस तरीके से पिन अप कर ली। अब इसको हम जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से हमें एक दाग देना है सेंटर पर। देखिए ये सेंटर है हमारा, इसको हम इस तरीके से सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, दो हिस्सा में। अब हमें इसको इस तरीके से बड़ा बड़ा फ्रिल को जॉइंट करना है इस तरीके से।
उसको पिन के मदद से अटैच करना है और फिर इस तरीके से बड़ा बड़ा फ्रिल देना है, ठीक है। उसी तरीके से इस पर भी हमें जॉइंट करना है। देखिए इस तरीके से हमें फ्रिल जॉइंट करना है। अब इसी तरीके से हमें इस साइड से भी फ्रिल को जॉइंट करना है। वैसे हमें दूसरा साइड पर भी किसी तरीके से फ्रिल जॉइंट करना है।
सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।